हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले, ये स्टोरी उस वीर जवान की है, वो ये स्टोरी उस बहादुर सिपाही की है जो अरुणाचल प्रदेश का बेटा था, इस भारत माँ का बेटा था और इस तरीके से दुश्मनों के साथ लड़ा, आतंकवादियों के साथ लड़ा। उसके बाद जब ये खबर निकल के आई जिस स्टोरी पर हम रिएक्शन देने वाले, बहुत सारे लोगों के जो इस देश में रहते हैं भारत में, उनके आंखों में आंसू थे उस दिन। और जब ये स्टोरी इंडियन आर्मी ने पब्लिक की, ये एक वीडियो बना के, उसके बाद जान ना जाने कितने लोग रोए होंगे। ये स्टोरी है हंकमन दादा की, जो अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से थे और इंडियन आर्मी में हवलदार पोस्ट पे पोस्टेड थे। तो वीडियो पे जाने से पहले फ्रेंड्स, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करना ना भूलिए। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें उसके बाद में कर लेंगे। लेट स्टार्ट। तेरह हजार फुट की ऊंचाई पर हवलदार हंगपन दादा, उत्तरी कश्मीर सर्वोच्च वीरता सम्मान अशोक चक्र दिया गया है। उसका हम पर नैदा तो यही में जन्म हुआ था, इसी जगह में। अबाउट दादा, आई मेट हिम मोर देन 10 टाइम्स। He would come for the mass. Before we come, he's already here, kneeling down, praying. अभी तक मैं जिंदा हूँ हंगपन दादा की वजह से। वो पानी में डूबने से हमको बचाया, इसलिए आपका सामने अभी बैठा हूँ। सराती तो था सर। पेड़ में चढ़ के फल तोड़ के ले आके खा के और दोस्तों को खिलाने का, ये सब तो था। फुटबॉल खेलने में, रनिंग करने में, पेड़ चढ़ने में, जो भी काम है वो उसको जितना है। ऐसे था, वो बात करता था ना, दूसरा को समझाना, दूसरा के साथ बात करना, वो बहुत इंटरेस्ट था। सही रास्ता में था, वो फिजिकली फिट भी था। एवरी मॉर्निंग रनिंग किया, पुशअप 20 बार 25 बार। इसी टाइम में फौजी का ये निकला इंटरव्यू, रिक्रूटमेंट होगा कुंचा में, बोल के तो वो गया। आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है। फौजी में जाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए मौका मिला, वो निभाना है। ही टोल्ड मी दैट ही इज वेरी हैप्पी विद द वर्क एंड ही इज ऑलवेज ग्रेटफुल टू गॉड फॉर गिविंग दिस पर्टिकुलर जॉब। He came to meet me and told me, "Father, please pray for me. I'm going to Jammu and Kashmir." कश्मीर का कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये लोकेशन LC के बिल्कुल साथ है। इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादातर होता है तो इनमें काम करने का मज़ा अलग ही है। लेकिन वहाँ पेड़ पौधा नहीं होने के कारण से जो है ऑक्सीजन बहुत ही कम मिलता है। हर जगह माहौल जो है खतरा से भरा हुआ है, चौकाना रहना पड़ता है सर। हमारा कंपनी के अंडर 4 पोस्ट आता है। यहाँ में हमारा हेडक्वार्टर कंपनी है, उसके नीचे में हम साबू पोस्ट है, साबू पोस्ट के नीचे में मसरी पोस्ट है। साबू पोस्ट से जब हम मसरी पोस्ट की ओर निकलते हैं तो बीच में एक नाला पड़ता है मीरा नार, जो ऊपर से आता है। उसका फिर आगे आता है एक मरसरी डीस, डायरेक्ट शमशाबारी डीस की तरफ निकलता है। On 26th May 2016, Sipai Jain Baite spotted some suspicious movement on the Shamshabadi Ridge. हम फर्स्ट ऑपरेटर साहब, अंबोस पॉइंट का आगे में 4 मिलीटन आया हुआ देखा था। सुबह 6 बजे तरफ चुप चुप के उन लोग निकला था। अपना OC साहब को रिपोर्ट किया सब। हाँ OP बोलो। 4 मिलीटन? अच्छा, जनरल एरिया मीरा में, ठीक है, उन पर नजर रखना लगातार और मुझे रिपोर्ट देना। और ध्यान रखना, कोई फालतू का हरकत नहीं होना चाहिए। 26 मई 2016 6 बजे तरफ खबर आया था। हेलो साबू पोस्ट। हाँ दादा, अभी 4 मिलिटेंट का हरकत दिखा है,
मीरा नाला से साबू की तरफ आपने स्टॉप एस्टेब्लिश करना है मीरा नाला से मीरा रिज की तरफ और ध्यान रखना कोई आपका हरकत नहीं दिखना चाहिए। I immediately placed stops and cordoned the entire area. हमने अपना पोस्ट सबको अलर्ट कर दिया, तैयारी किया। दो टीम में हमने कॉर्डन लगाए नीचे, एक टीम सुबिदार कुरुंग अनल, एक टीम नाइक नजीबुर। ऑल्डर अनपन दादा हु वाज प्लेस्ड इन द साबू पोस्ट इमीडिएटली मूव्ड अलोंग विद हिज टीम टू ब्लॉक द मोस्ट लाइकली रूट ऑफ एस्केप इन द मीराना। सबसे पहले आगे जाना है हम दोनों ने, मीरा नाला से मीरा रिज की तरफ सामने हमको कवर करने के लिए बताया। कंपनी हेडक्वार्टर ने एमएमजी फायरिंग किया, दो मिलिटेंट उधर में रुक गया, दो मिलिटेंट नीचे भाग गया। मिलिटेंट जो है डायरेक्ट नाला की तरफ से आया था, फायरिंग करने की कोशिश किया तो वो छुप गया। पीछे जो है हमारा हवलदार सब दादा आ रहा था, दादा हम लोग से कम 350 मीटर लगभग था सर। वो दादा आगे बढ़ा, एक मिले दिन को खत्म कर दिया। दादा ने मेरे को बताया है आप मेरे को स्पॉट फायर करना, मैं आगे जाता हूँ। तो हवलदार दादा थोड़ा साइड से फिर लेटते हुए रेंगते हुए अपना पोजीशन लिया, दादा ने खत्म कर दिया। नेटवर्क नहीं है वहाँ में, कभी कभार बातचीत होता है। अभी हम लोग जंगल में है, ऑपरेशन ऑन एयर ऑपरेशन ऐसा बोला था ना, मजाक से बोलता था ना, ना सही है तो मालूम नहीं है, बोलता था ऐसे ही। जैसे बोलते बोलते वो भी जैसे रुक गए, बहुत ही इमोशनल लगता है सब कुछ। चलो तो पापा के बारे में कुछ भी पता नहीं, कभी छुट्टी आएगा एक महीना ना, एक महीना आता था तो वो क्रिसमस समय में, नहीं तो चालो लोग समय आता था। सुबह में हम हमेशा 7-6:30 ऐसे में न्यूज देखता है, तो वो देखा है वहाँ में फायरिंग हो रहा है। जहाँ के कुपवाड़ा में मुठभेड़ की खबर है, ड्यूटी में चला गया, 7 बज गया। उनको फिर क्लियर किया दोनों मिलिटेंट्स को, क्या क्या सामान है उनको चेक किया। उसके पास तो बाइनोकुलर भी है, मोटरोला जीपीएस भी है, खाना पीना रेशन डायरी में मैप भी लेके आया है। वो लोग इतने क्लियर आता है सब। उसके बाद हम दो टोली में बट गया, एक ओसी साहब की टोली, एक हवलदार दादा की टोली। हवलदार दादा सबसे पहले लीड किया। अरे लेट हो जाएगा, रात होने के बाद तो मिलते निकल जाएगा तो क्या करेगा। दादा भी मोटिवेट करते गए हमारे को, तो हमारा अंदर भी जोश आ रहा था। पत्थर भी काफी था इस सीजन में, ढलान में चला गया तो दिखना नामुमकिन। हवलदार दादा मूव्ड क्विकली एंड केम फेस टू फेस विद द थर्ड टेररिस्ट एंड न्यूट्रलाइज्ड हिम। मिलिटन के साथ जब फायरिंग होता है तो उसमें हमारा जान का खतरा है, गोली के सामने जाना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा देर बाद वो पेट पकड़ के फिर खड़ा होना शुरू हो गया। जो हिम्मत है वो जुटाते हुए अपनी क्षमता दिखाने की कोशिश की, लेकिन तब तक मेरी प्यारी। रात 10:30 को फोन किया था, आप मैम साहब है, दादा का मैम साहब है, हाँ मैम साहब आपको एक बात बताना है। तो क्या क्या हुआ दादा? ठीक है, मैं वही पूछा ना दादा। दिल रोती है, उसके बारे में तो डिफिनेशन देने से कम है, स्याही खत्म हो जाएगा। मेरी प्यारी, मेरी प्यारी, मेरी प्यारी, मेरी
दिल रोती है मेरी प्यारी मेरी जान मेरी प्यारी। One beautiful thing he told me, Father, even if I am asked to give my life, I am ready for that. अभी तो दादा तो है ही नहीं, मैं इनका फैमिली के लिए हमेशा पटना कटे रहूँगा। अभी तब जब से दादा गया, वो है कहीं ना कहीं वो है, वो ही सोचता। क्या बनने का बड़ा होके बेटा? आर्मी ऑफिसर। ऐसा है क्या आर्मी लोग इतना अच्छा है? दादा जाने के बाद तो बहुत लोग चाहता है अभी आर्मी में जाने के लिए। हवलदार हंगपन दादा वाज नो ऑर्डिनरी सोल्जर, ही वाज एक्सेप्शनल। We are standing at approximately 12,000 feet and what you see in front of you is the Shamshabadi Ranges. This patch of ice is the area through which the four hardcore terrorists came on that fateful day of 25th of May and 26th of May in the morning. बदलू राम का बदन जमीन के नीचे है पर हमको उसका राशन मिलता है। दिस सॉन्ग इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हेन द जापानीज हैड लेड अ सीज अराउंड वन ऑफ द कंपनी पोजीशंस नियर कोहिमा। दो द कंपनी वाज अंडर सीज दे वर एबल टू सर्वाइव एज द क्वार्टरमास्टर कंटिन्यूड टू इंडेंट फॉर रेशंस इवन फॉर सोल्जर्स हु हैड बीन मार्टर्ड इन द वॉर। बदलू राम का बदन जमीन का नीचे है तो हमें उसका राशन मिलता है। बदलू राम का बदन जमीन का नीचे है। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो। बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल मोमेंट था उनके फैमिली के लिए भी, और जिस तरीके से उनके जो भाई थे वो बोलते बोलते एकदम से रुक गए, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल कर जाता था। किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा इमोशनल कर सकता है वो। उनके जिस तरीके के बहादुरी के किस्से जब आर्मी में जाने से पहले भी वहाँ के उनके फ्रेंड्स और उनके अदर जो ये थे घर वाले थे वो भी बता रहे थे, वो देख के बहुत अच्छा लगा। और उनमें वो पहले से जुनून था कि वो आर्मी में जाना चाहते थे। और जब आर्मी के उन्होंने जो उनके स्टाफ मेंबर्स थे आर्मी के उनके साथ जो सोल्जर्स थे उनके साथ जो उनकी स्टोरी बता रहे थे कि उन्होंने जिस तरीके के 3 टेररिस्ट को ख़त्म किया और वो निडरता से आगे फ्रंट कर रहे थे अपने कंपनी को, उनके अंडर जितना भी स्क्वाड था उसको लीड कर रहे थे और बाकी जो उनकी टीम थी वो भी बाजू से उनको कवर दे रही थी। पर जब उनको गोली लगी उसके बाद भी वो उठ के फिर से गोली चलाने की कोशिश कर रहे थे, वो मतलब एकदम दिल को छू जाता है। और आर्मी में वो स्पिरिट होता है, जितने भी आर्मी के सोल्जर्स होते हैं उनमें वो स्पिरिट होता है कि वो आखिरी दम तक आखिरी सांस तक लड़ने की कोशिश करते हैं जैसे। और वो उस कंडीशन में थे कि उनको गोली लगी थी एक छाती पे, फिर भी वो उठ के लड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो जज्बा था कि जैसे उनके गांव के जितने लोगों की बात सुनी इस वीडियो में वो भी कह रहे थे कि वो उनमें जुनून था। और जैसे उनकी वाइफ बातें कर रही थी उनके बारे में, उनको देख के एकदम मतलब ऐसा दिल भर के आ रहा था। और उनके दो बच्चे थे, उस बेटे को उनके पूछा गया कि आप क्या करना चाहेंगे आगे जाके, तो
तो उन्होंने जैसे कहा कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ जब बड़ा हो जाऊँगा, वो बात मेरे दिल को एकदम छू गई और मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरी आँखों में आंसू आ गए उस वक्त कि मतलब एक जो आर्मी फैमिली होती है उनमें जो जुनून होता है, अपने फादर को उन्होंने खोया, वो शहीद हो गए इस देश के लिए और ये देश उनका बलिदान कभी नहीं भूलेगा, हमेशा याद रहेंगे वो दादा हमारे, हमेशा दिल में रहेंगे। और जैसे वो जिस बहादुरी से लड़े उनको अशोक चक्र मिला उसके लिए, उनके बलिदान के लिए, पर अशोक चक्र हो या परमवीर चक्र हो, बात मेडल्स की नहीं है, उनके जज्बे की है, उनके देशभक्ति की है और उनके उस बलिदान की है, सर्वोच्च बलिदान की है, जिन्होंने ये बलिदान अपने देश के लिए, हम चैन से रह सके, हम आराम से सो सके अपने घर में, अपने देश में हम आज़ादी से घूम सके, उसके लिए इन्होंने दादा ने बलिदान दिया। तो हमको हमेशा उनको याद करना चाहिए, हमेशा हमारे सोल्जर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारे सोल्जर्स हमारे लिए हमेशा सरहद पे खड़े रहते हैं। और ये दादा की स्टोरी है, और भी कितने सारे दादा है जो अपने देश के लिए हमेशा सर्वोच्च बलिदान देते हैं। तो थैंक यू सो मच दादा आपके सर्विस के लिए, आपके ड्यूटी के लिए और आपके सर्वोच्च बलिदान के लिए। ये देश हमेशा आपका ऋणी रहेगा और हमेशा आप हमारे दिल में रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके उतना शेयर कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पे भी है। जय हिंद।